बोजू, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। प्राइम टीवी देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा स्वागत है। मैं हूं बिंदु और आप देख रहे हैं प्राइम हेल्थ। दोस्तों, अगर आपके कोई सवाल है या कोई सुझाव है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 5149948366, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info@primecanada.tv। दोस्तों, भाग दौड़ भरे माहौल में आजकल लोगों के पास ना तो खाने का समय है और ना ही सोने का समय है। एक्सरसाइज करना तो दूर की बात, लोग ऑफिस की सीढ़ियां चढ़ना भी पसंद नहीं करते हैं। तनाव इस कदर हावी है कि लोगों को सपने में भी या तो वो ड्राइविंग करते हैं या फिर ऑफिस की फाइलें उनका पीछा नहीं छोड़ती है। ऐसे में कई बीमारियां चुपके से घर कर जाती हैं, जिनमें से एक है पेप्टिक अल्सर। क्या होता है ये पेप्टिक अल्सर और क्यों होता है ये बीमारी, क्या क्या इसके कारण है, क्या क्या इसके लक्षण है, आइए जानते हैं डॉक्टर बोरा जी से। सबसे पहले तो स्वागत है डॉक्टर साहब आपका प्राइम हेल्थ में। और क्या होता है डॉक्टर साहब ये पेप्टिक अल्सर, ये आप हमारे दर्शकों को बताइएगा। थैंक यू बिंदु जी। मैं बताना चाहूँगा कि आज के दिन हर तीसरे इंसान को पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम है। किसी को माइनर, किसी को मॉडरेट और किसी को बहुत ज़्यादा होती है। ये मुख्यतः तीन पार्ट्स में ही पाया जाता है, ईसोफेगस, स्टोमक और ड्यूडेनम, जिसको हम छोटी आंत भी बोलते हैं। इसको हम आम भाषा में जुकाम या छाले भी बोल सकते हैं। छोटे छोटे वूंड्स में भी हम, जैसे हमारे मुंह में छाले हो जाते हैं, इसी तरह हमारे ईसोफेगस में, स्टोमक में और छोटी आंत में छाले हो जाते हैं। लेकिन कई बार ये खतरनाक बन जाते हैं, इनसे ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, इस खून की उल्टी भी आ सकती है आपको, और टट्टी के रास्ते ब्लैक कलर का स्टूल भी आ सकता है, और कई बार ये जानलेवा हो सकते हैं। तो ये ज़्यादातर ईसोफेगस, स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होते हैं। जो ईसोफेगस का जो हमारे छाले होते हैं, जख्म होते हैं, जो अल्सर्स हैं, ये जैसे हम खाना खाते हैं वो उसके साथ, खाना खाने के साथ ही स्टार्ट हो जाता है उसका दर्द जो है। और जो हमारा स्टोमक के जो पेप्टिक के जो अल्सर्स हैं, वो खाना खाने के थोड़ी देर बाद उनका दर्द स्टार्ट होता है। और जो हमारी, मैं बता रहा हूँ, जो छोटी आंत है, जो ड्यूडेनम अल्सर है, वो खाना खाने से पहले दर्द होता है उसमें। उसमें अब खाना नहीं खाओगे तब उसमें दर्द होता है। और उसकी एक खास बात यह है कि वो खाना खाने के बाद ठीक होता है, तो पहले दो जो हमारे थे वो दर्द होगा खाना खाने के बाद, और ये खाना खाने के बाद ठीक होता है। कारण इसके बहुत होते हैं, मैं आपको भी बताता हूँ थोड़ा विस्तार से। मतलब कहने का ये है कि एसिड की मात्रा जब हमारी बॉडी में बढ़ जाती है तो उसी की वजह से ये पेप्टिक अल्सर होते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि खाली एसिड ही इसका एक कारण है, इसके खूब सारे कारण हैं। सबसे पहले तो हम अपनी जो मेडिसिन में उसको यही बोलते हैं कि एक इसका बैक्टीरिया होता है एच पायलोरी, जो इसके लिए ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबल पाया गया है। क्योंकि एक ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट था, उसने इसको फाइंड आउट किया था 1980 में कि नॉर्मली ये सिचुएटेड होता है सबके स्टोमक में एच पायलोरी, लेकिन किसी किसी में ये इन्फ्लेमेशन पैदा कर देता है जी। और इन्फ्लेमेशन होने के बाद वहाँ पे छाले हो जाते हैं, और वहाँ पे ऐसी स्थिति आती है कि आदमी को खून की उल्टियाँ या पेट में दर्द या और खाना नहीं खा पाएगा, खूब सारे जो लक्षण फिर उसके स्टार्ट हो जाते हैं, स्वेलिंग हो जाते हैं। उसके बाद हम कह सकते हैं कि एसिड बनने से या पित्त बनने से भी अल्सर पैदा होते हैं। और भी बहुत सारे कारण हैं, एक्सेसिव स्मोकिंग है, सेडेंट्री लाइफ है, अल्कोहल है, स्ट्रेस है आज के दिन, और खाना नहीं खाना भी एक वजह है, और ज़्यादा खाना भी इसकी एक वजह हो सकती है। और भी जो अंदर हमारे पेट की जो बीमारियाँ हैं उससे भी कई बार ये स्थिति पैदा होती है, जिससे हम अल्सर पैदा होते हैं। और कई बार खुद स्टोमक और ईसोफेगस की भी अपनी अंदरूनी, जैसे किसी को कैंसर है या कोई और बड़ी बीमारियां जो उसकी अंदर की वाल होती है उससे रिलेटेड होती हैं, या किसी को आज के दिन कई केस आए हैं कि खाना खाने से एलर्जी है किसी को, किसी चीज़ के पर्टिकुलर खाने से, किसी को पोटैटो से एलर्जी है, किसी को दही से एलर्जी है, किसी को सोयाबीन से एलर्जी है, वो उसको हम खाएंगे तो उसके बाद हमारे पेट में दर्द होगा,
पेट में दर्द होने के बाद हमें उल्टी भी आ सकती है, वहाँ पे जख्म भी पैदा कर सकता है, क्योंकि जब भी हम कोई खाना खाएंगे अगर उससे हमें एलर्जी है तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन बन जाएगी एक तरह से पेट में, जो पेट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और उसको बाहर फेंकने की कोशिश करेगा, तो उससे उस वजह से एसिड भी बनेगी वहाँ पे, आपको इन्फ्लेमेशन पेट अपनी तरफ से कोशिश करेगा कि उसको उसका कम इफेक्ट हो, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे छाले बन सकते हैं। और एक डॉक्टर साहब, सुनने में आता है कि जैसे हम पेन किलर्स लेते हैं, क्या इसकी वजह से भी ये इन्फ्लेमेशन हो सकती है? हाँ, स्टमक के अंदर बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है बिंदु जी, क्योंकि मैं भी बताने वाला था कि ड्रग्स जो हमारी नॉन इन्फ्लेमेटरी स्टेरॉयडल ड्रग होती हैं, पेन किलर होते हैं, ज़्यादातर हम लोग लेते हैं घर में, कुछ भी दर्द हो गया बॉडी में, एक दो गोलियाँ खा ली हमने, जैसे ब्रूफीन है और भी दूसरी तरह की कई मेडिसिन है जो पेन किलर है, जॉइंट्स में किसी को दर्द है तो बिना डॉक्टरी की सलाह के हम लोग खाते रहते हैं ऐसे ही, तो ड्रग्स भी मेडिसिन भी कोई भी मेडिसिन भी हो सकती है, उसमें खाली पेन किलर ही नहीं, स्टेरॉइड भी कई बार हो सकते हैं, किसी तरह के भी एंटीबायोटिक भी कई बार होते हैं जिसको कई बार प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो श्योर की पेन किलर से बहुत इसका असर होता है, बहुत ज़्यादा इसको एसिड पैदा करती है और पेप्टिक अल्सर बन सकते हैं। एक डॉक्टर साहब, किसी मल्टीविटामिन्स की कमी की वजह से भी ये हो सकती है, क्योंकि हमने सुना है शायद ये कुछ मल्टीविटामिन्स की कमी की वजह से भी शायद होती है। हाँ, तो किसी किसी केसेस में वैसे ज़्यादा मल्टीविटामिन की कमी से नहीं होते, ज़्यादातर मल्टीविटामिन की कमी से हम माउथ के अल्सर्स तो हम मानते हैं कि होते हैं कई बच्चों में या बूढ़ों में जो भी है, आते हैं कई बार कि हमारे मुंह में छाले हो गए हैं, हम एप्थिक अल्सर्स इसको बोलते हैं, तो ये मल्टीविटामिन देने से B12 B6 को सारी हम मिला के आजकल जो मार्केट में आई हैं वो सारी विटामिन्स कंबाइंड विटामिन्स होती हैं, मल्टीविटामिन्स के नाम से बोलते हैं, तो देख लेते हैं एक दो हफ्ता, उससे कई बार आराम पड़ता है, तो काफ़ी केसेस हैं जिसमें मल्टीविटामिन की वजह से भी अल्सर हो सकते हैं आपके। और डॉक्टर साहब, इसके लक्षण कैसे पहचाने जाएं, कि कैसे पहचानेंगे हम उसको, क्या सिम्टम्स हैं, वो भी आप हमारे दर्शकों को बताइए। ज़्यादातर पेशेंट के लक्षण तो यही होते हैं कि जैसे आम कि मैं खाना खाने के बाद भी मेरे पेट में दर्द हो गया है, सेंट्रल पार्ट में जो हमारा ये हिस्सा होता है, सेंट्रल पार्ट छाती के नीचे और पेट के ऊपर का हिस्सा, इसमें वो कई बार बोलता है कि खाना खाने के बाद मेरे को आग जैसी जलन हो गया एकदम, या दर्द हो रहा है मेरे को, या फिर मेरे को उल्टी आ रही है, या दिल मिचला रहा है, या भारीपन हो गया है, या मेरे को ना खट्टा पानी भी आता है जिसको इसोफेजियल रिफ्लेक्स भी बोलते हैं, और किसी किसी को उल्टी वोमिट बहुत आती है, और कोई कोई तो इसको कॉन्स्टिपेशन में भी रिप्रेजेंट करता है कि मेरे को कॉन्स्टिपेशन है उसकी वजह से भी मेरे को होता है, लेकिन कई बार इसके और भी कारण हो सकते हैं जो हम अभी बातें कर रहे थे कि ड्रग्स के, कोई भी ड्रग्स हम खाते हैं, तो मुझसे लक्षण तो यही है कि पेट में दर्द होगा और आपको उल्टी आएगी, भारीपन महसूस होएगा और अफारा आ जाएगा, दिल मितलाएगा, और ज्यादातर तो यही होते हैं। डॉक्टर साहब, कई बार कई पेशेंटों का वेट भी रिड्यूस होता है, तो वो भी कोई हो सकता है इसकी वजह से कि वेट भी रिड्यूस हो जाए? बिल्कुल, ये बात भी बिल्कुल सही है कि किसी किसी का वेट रिड्यूस होता है, किसी का बढ़ता है। तो कई तो जैसे जियोडन अल्सर है, उसको दर्द होता है लेकिन सामने खाना है, उसको पता खाना खाने से ठीक हो जाए, लेकिन वो डरता भी है कि मेरे को फिर इसका दर्द होएगा अगर मैं खाना खाऊंगा, वो खाना नहीं खा पाता कई बार, कई बार उसको खून की उल्टी आती है, कई बार उसको अपनी टट्टी में उसको खून आता है या ब्लैक कलर की टट्टी आती है, तो कई अल्सर वाले खाना नहीं खाते जिसकी वजह से उसका वेट रिड्यूस होता है, ब्लड भी उनका एनीमिया भी हो सकता है ऐसे ऐसे पेशेंट में कई बार, उसकी वजह से। हाँ, क्योंकि उनको कई बार डायग्नोस नहीं कर पाते वो लोग, उनको मुंह से उल्टी नहीं आएगी खून की, हमें में से नहीं होगा उसको, लेकिन कई बार उसको टट्टी के रास्ते ब्लैक स्टूल आएगा, वो उसको देखता नहीं कई बार, कई बार उसको देखता नहीं कि मेरा स्टूल कैसा है, तो डायग्नोस नहीं हो पाता है, तो एनीमिया रिप्रेजेंट करके भी कई कई लोग आते हैं कि मेरे को एनीमिया है, तो उसका कारण हम ढूंढते हैं कई बार, तो हाँ, तो उसका वेट रिड्यूस जब हो रहा है तो पता चलता है कि इसको अल्सर है जो अंदर ही अंदर खून का रिसाव हो रहा है उससे, और कई बार और भी तरह की बीमारी होती हैं जिससे कई रिप्रेजेंट करके आते हैं और होता है उनको अल्सर है, तो
और एक डॉक्टर साहब, इसको डायग्नोज कैसे किया जाए, कैसे पता चले, क्या क्या मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप लोग डायग्नोज करते हैं इसको कि पेप्टिक अल्सर है? नॉर्मली तो हम हिस्ट्री से ही डायग्नोज करते हैं हम पेशेंट की। जैसे आते हैं कि मेरे को खाना खाने के बाद हैवी महसूस होता है, या खाना खाने के मेरे पास मेरे को दर्द होता है, या एकदम दर्द होता है, या थोड़ी देर बाद होता है, या खाना खाने से मेरे को रिलीव होता है, जो मैंने आपको शुरू में बताए थे इसोफेगस का। खाना खाते ही हमें दर्द होएगा, इसोफेगस में हमारे अल्सर्स होते हैं, और स्टोमक में जो होंगे वो खाना खाने के बाद थोड़ी देर बाद पेन होगा उसका स्टार्ट। और जो जोरिना में छोटी इंस्ट्राइन, वो खाना खाने के बाद उसका दर्द रिलीव, उसका दर्द ठीक होगा। तो एक तो हम ऐसे ऐसे थोड़ा पहचान लेते हैं उसके सिम्टम्स से, खाना खाने की उनकी आदतों से। और सेकंड, उसका किसी को बोलता है मेरे को खट्टा मुंह में पानी एकदम भर जाता है, एसिडिटी बनती है, और मेरे को जलन होती है, ये वाला दर्द मेरे को ना पीछे भी जाता है कई बार, पीछे रेडिएट होता है या साइड में जाता है। तो उसके बाद हम फिर, अगर हमें नहीं पता चलता है कि इसको, कई लोग नहीं बता पाते कि मेरे को इस तरह की प्रॉब्लम है, तो हम उसको कई बार फिर एच पायलोरी है जैसे, उसको हम फाइंड आउट करने के लिए, या कोई अल्सर है ये देखने के लिए, हमारे पास एक दूरबीन का आजकल, जिसको हम एंडोस्कोपी बोलते हैं। एंडोस्कोपी एक छोटा कैमरा लगा होता है, उसमें एक पाइप होता है, प्लास्टिक की होती है, जो इजीली अंदर मुड़ सकती है, इजीली अंदर जा सकती है हमारे मुंह से, और उसके के अंदर कैमरा होता है, उसमें वीडियो भी बन सकता है, उसका फोटो भी हम लोग खींच सकते हैं। तो हम उसको इसोफेगस से लेके अंदर स्टोमक में डाल देते हैं, जो वहाँ पे हम उससे ट्रीट भी कर सकते हैं, अगर अंदर इरेजन है, अंदर ब्लीड है, उसके थ्रू, एंडोस्कोपी के थ्रू। तो एक हम उससे एंडोस्कोपी से भी करते हैं। कई बार हम एंडोस्कोपी पेशेंट जो है कोऑपरेट नहीं करता है, तो एक और हमारे पास टेस्ट है जिसका रेडियोलॉजी के साथ हम मिलके करते हैं, इसमें बेरियम हम उसको मिल बोलते हैं इसको, तो उसको हम पेशेंट को थोड़ा सा पिला देते हैं, जिससे उसके बाद हम उसके पेट के एक्सरे लेते हैं, तो एक परत सी बन जाती है, जिससे हम अल्सर में देखते हैं कि अल्सर के अंदर कितना गया है, कितना गहरा अल्सर है, तो उससे हम फाइंड आउट कर लेते हैं। एंडोस्कोपी के जरिए आप लोग डायग्नोस करते हैं। एक एंडोस्कोपी, दूसरे बीरियम जो मैंने आपको बताया, जिसके हम एक्सरे लेते हैं। उसके बाद और भी हमारे तरीके हैं, जैसे कई बार हम ब्लड रिपोर्ट भी करवाते हैं, ब्लड इन्वेस्टिगेशन। तो ये ज़्यादातर यही टेस्ट है हमारे, इसके इसके जिससे हम फाइंड आउट करते हैं। ज्यादातर तो हम पेशेंट की हिस्ट्री से ही पता लग जाता है, पता चल जाता है कि इसको किस वजह से। और डॉक्टर साहब, अगर किसी इंसान को ये बीमारी हो जाती है किसी कारण से, तो इसका इलाज क्या है, इसके उपाय क्या है, ये भी आप हमारे दर्शकों को बताइएगा। मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो इसका बचाव करो, क्योंकि आप जितना बचोगे इससे, ये बीमारी कई बार परमानेंट ठीक नहीं होती है, खाने पीने से रिलेटेड है। तो सबसे पहले आपको गौर करना कि आप क्या चीज़ खाते हो, किस वजह से आपको होता है, कौन सी चीज़ खाने से होता है। कई बार पर्टिकुलर फूड से आपको एसिड बनती है, या उससे एलर्जी है, जिसकी वजह से आपको अल्सर्स पैदा हो जाते हैं। तो पहले, सबसे पहले अवॉइड करो अपने खाने की चीज़ों को, या अल्कोहल को किसी किसी से होता है, स्मोकिंग से प्रेसिपिटेट होता है, या कई बार ऑयली चीज़ों से होता है, या कई बार जैसे हम शादी ब्याह वगैरह में जाते हैं वहाँ पे लोग ज़्यादा खा लेते हैं, उसकी वजह से होता है। सेडेंट्री लाइफ भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है, स्ट्रेस है, और लेस एक्सरसाइज जो हम लोग करते हैं, हम लोग एक्सरसाइज या योगा बिल्कुल नहीं करते हैं, खाना खाने के बाद एकदम सो जाते हैं, या खाना खाने के बाद बिस्तर पे चले जाते हैं, या खाना खाते वक्त आप टीवी नहीं देखें, या खाना खाओ तो थोड़ा चबा के खाओ, थोड़ा टाइम लगाओ, तो खूब सारी चीज़ें हैं जिससे आप बच सकते हो। लेकिन होने के बाद तो फिर हम मेडिसिन पे जाएंगे, मेडिसिन ही स्टार्ट करनी पड़ेंगी आपको। ज़्यादातर केसेस में हम लोग एच पायलोरी को ही डायग्नोस करते हैं, या डायग्नोस नहीं करते हैं तो हम उसकी जो एच पायलोरी किट होती तो है, मेडिसिन से डॉक्टर साहब ये खत्म हो जाती है बीमारी की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि उससे 100% ठीक होगा, क्योंकि अगर आप फिर आपने बचाव नहीं किया इसका कोई फूड से या जिस चीज़ से होता है, तो आपको फिर से दोबारा से हो सकती है। तो आप एक तो एच पायलोरी जो किट होती है हमारी, जो उसकी गैस बनने की या अल्सर की, वो किट का 21 डेज का जो कोर्स होता है, एक तो वो करवाते हैं हम लोग, जिसमें एंटीबायोटिक्स होते हैं, और PPI जिसको हम बोलते हैं, प्रोटीन इनहिबिटर एक वो होता है उसके अंदर, और एरिथ्रोमाइसिन, एक अमोक्सिक्लोक्स अमोक्सिसिलिन, एक
टैबलेट मेडिसिन होती है, कुल मिला के 3 टैबलेट्स का इसमें एक किट होती है, 21 डेज हम वो देते हैं। उसके बाद एंटा एसिड भी हम लोग साथ में देते हैं कि जिससे एसिड नहीं बने, कम बने, रिड्यूस होए जिससे। उसके बाद एक आज के दिन जैसे कई बार किसी को एसिड भी फिर भी बन रही है, सैक्रल फैट हम लोग देते हैं जिससे एक परत सी बन जाती है पेट में, जिससे आपको दर्द थोड़ा सा उससे कम महसूस होगा या आपको हीलिंग होने में उसको फ़ायदा होगा। तो मेडिसिन का भी रोल है, लेकिन सबसे ज़्यादा रोल आपको बचाव करना है इसका। एक डॉक्टर साहब, पेन किलर जैसे आपने बताया कि हमें अवॉइड करनी चाहिए, तो कौन सी सेफ है पेन किलर जो हम ले सकते हैं? क्योंकि कई बार कुछ लोगों को सर में दर्द है या कोई भी प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से उनको मेडिसिन लेनी पड़ती है पेन किलर, तो आप ये बताइए कि कौन सी मेडिसिन सेफ है जो वो ले सकते हैं। देखो, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सी पेन किलर हमें खानी चाहिए। लोग ये ना कहें कि आप किसी भी दुकान पे जाओ और कोई भी उसने दवाई दे दी और आपने खा ली, आपने बिना पढ़े उसको खा लिया और ये नहीं पता कि कौन सी दवाई थी। सबसे पहले तो दवाई को पढ़ें क्या दिए मेडिसिन वाले शॉप ने। तो आपको सबसे जो सेफ ड्रग है आज के दिन पेन किलर, पैरासीटामोल। कोई भी दर्द हो, आप बुखार हो, पैरासीटामोल लें, उससे ज़्यादा ना लें। अगर उससे ज़्यादा लेनी है आप डॉक्टर से सलाह करें। सबसे सेफ टाइनोल, पैरासीटामोल या एसिटोमिनोफेन भी आप ले सकते हैं। इससे ज़्यादा और कोई भी पेन किलर ना लें, नहीं तो ये जानलेवा साबित हो सकती है कई बार। जी बिल्कुल। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि इस बीमारी के मुख्यतः जो कारण है वो है स्ट्रेस, स्मोकिंग और जो पेन किलर्स हैं उनका अगर हम बिना पढ़े अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं तो वो भी हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है। कुछ फूड्स होते हैं जिनसे हमें एलर्जी है तो वो भी हमें अवॉइड करने चाहिए, वो भी हमें नहीं खाने चाहिए। इसमें बिंदु मैं एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा है। एक तो कॉम्प्लिकेशन सिंपल ये है कि हम लोग अनईजी रहते हैं पूरा दिन, अनईजी रहते हैं कि कहीं पे अड़कार आएंगी गंदी गंदी, हम बैठ नहीं पाएंगे और ज़्यादा देर खड़े नहीं रह पाएंगे। उसके बाद जो हमारे अल्सर्स होते हैं इसमें परफोरेशन हो जाती है कई बार, अंदर ये फट सकते हैं, ब्लास्ट हो सकता है अंदर, जिसकी वजह से ऑपरेशन होते हैं फिर, या कई बार जान भी चली जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे अल्सर फटते हैं वो ड्यूडेनम के फटते हैं, ड्यूडेनल अल्सर जिसको बोलते हैं, और फिर हमें ऑपरेशन के लिए जाना पड़ता है। उसकी इंडिकेशन, उसका 100% ऑपरेशन होता है एक बार जब भी अल्सर हमारा फट जाता है, क्योंकि ये मेडिसिन से ठीक नहीं होता है फिर, इसको हम एमरजेंसी बोलते हैं। उस ये बीमारी जानलेवा भी है, जानलेवा है। कॉम्प्लिकेशन, अगर कॉम्प्लिकेशन हो जाए, इसको गौर नहीं किया गया, इसको ठीक नहीं किया गया। उसके बाद कई बार अंदर इन्फ्लेमेशन हो के वहाँ पे जो हमारा खाने का रास्ता वो भी कई बार कम पड़ सकता है, पतला हो सकता है, वहाँ पे नैरो हो सकता है, जिसकी वजह से खाना खाने में हमें दिक्कत आ सकती है। कई बार उल्टियाँ भी हमें होती रहती हैं बार बार, जिसकी वजह से वहाँ पे स्पाज्म भी क्रिएट हो सकता है। और कई बार अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन होते, जैसे हमारा ऑलरेडी वहाँ पे इन्फेक्शन छेद है, वहाँ पे ब्लीड हो रहा है, वहाँ पे और भी कई तरह के इन्फेक्शन आ जाते हैं। कई बार कॉम्प्लिकेशंस में हमें इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, इन्फेक्शन जैसे हमारा ब्लीड कर रहा है कोई भी अल्सर, तो वहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है वहाँ पे, और वो पूरे शरीर में फैल सकता है, जिसकी वजह से सेप्टिसिमिया की एमिनोबत आ सकती है, या पूरे ब्लड का इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये भी एक सीरियस कंडीशन है। कई बार तो पेशेंट को खून की उल्टी आती हैं, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना पड़ता है। तो कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस हैं, बचना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्सरसाइज और खाना पचा के खाएँ, थोड़ा टाइम लगाएं, फाइबर फूड ज़्यादा लें, सलाद ज़्यादा खाएँ, तली हुई चीज़ों से बचें, और जो आजकल तेल आए हुए हैं उनसे भी बचें, थोड़ा कम यूज़ करें तेल। और जब भी किसी फंक्शन में, पार्टी में जाते हैं, थोड़ा कम वहाँ पर खाना खाएँ, ज़्यादा खाना भी एक इसका एक कारण है। और भी कई तरह के जो बचा हो आप करें, और स्ट्रेस कम लें, और लॉन्ग सिटिंग कम लें, इस तरह की खूब सारी बातें हैं जो आप इसका ध्यान रखें अपना। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, नियमित व्यायाम करें, तनाव मुक्त रहें, खुश रहें, और अपने खान पान का पूरा ध्यान रखें। जिन चीज़ों से हमें एलर्जी है, जो हमें सूट नहीं करती, वो चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए, वो अवॉइड करनी चाहिए। फाइबर वाले खाना जो है वो खाएं, सलाद खाएं, और
कोशिश यही करें कि अपने खान पान का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि मैक्सिमम जो बीमारियां हमने अभी सुनी है या हमारे प्रोग्राम में बताई जाती है वो ज़्यादातर खान पान पर बहुत निर्भर करती है और एक्सरसाइज पर बहुत निर्भर करती है। तो अपनी दिनचर्या में एक एक्सरसाइज ज़रूर रखिएगा। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद है आपका इतनी कीमती जानकारी हमें देने के लिए, और हमारी यही कोशिश रहेगी दर्शकों से कि वो अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें और जो जो चीज़ें हम बताते हैं उनका पूरी तरीके से ध्यान रखें और अपने आप को स्वस्थ रखें। तो दोस्तों इसी मनोकामना के साथ कि आप खुश रहे स्वस्थ रहे, मैं बिंदु आपसे विदा लेती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार। सासुच्यासी हलाल रेस्टोरेंट गुज़श्ता 20 सालों से कम्युनिटी की खिदमत में मसरूफ, बेस्ट हलाल रेस्टोरेंट इन मॉन्ट्रियल। हमारे यहाँ तमाम पाकिस्तानी खाने मसलन बिरयानी, बटर चिकन, शाही पनीर, चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, फ़िश पकौड़ा, लाहौरी फ़िश, चिकन कबाब, मिक्स वेजिटेबल्स और हलीम वगैरह हफ्जान सेहत और माहिर तजर्बाकार शेफ़ के ज़ेर निगरानी तैयार किए जाते हैं। फैमिली एंड फ्रेंडली माहौल, फैमिली और दोस्तों के साथ विजिट कीजिए 850 जनता लॉन वेस्ट मॉन्ट्रियल। कॉल कीजिए 514-270-0786। बाबिश ग्रिल हलाल पाकिस्तानी खानों का मरकज़, यहाँ पर आपको ताज़ा लजीज और मज़ेदार खाने मसलन चिकन बिरयानी, चिकन कढ़ाई, बटर चिकन, हलीम पाया, निहारी, मटन कढ़ाई, पालक पनीर, सीख कबाब, कबाबिश ग्रिल और बहुत कुछ दस्तियाब। फैमिली माहौल, केटरिंग एंड डिलीवरी की सहूलत, फ्री पार्किंग, लज्जत और जायके का नाम कबाबिश ग्रिल। विजिट अस एट 958 जेरी वेस्ट मॉन्ट्रियल क्वेबेक H3N1H2। Phone number 514-277-7024. अकाउंट ऐप गुज़श्ता 12 साल से कम्युनिटी की खिदमत में पेश। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं या कोई सोल प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप, कॉरपोरेशन बनाना चाहते हैं तो सिंपल अकाउंट टैक्स की मुकम्मल खिदमत हासिल करें, जहां अकाउंटिंग सर्विसेज बशमूल बुक कीपिंग, इनकम टैक्स, बिजनेस टैक्स, सेल टैक्स, क्यूबिक और कैनरा रेवेन्यू का ऑडिट और पेरोल टैक्स वगैरह के लिए अदनान भट्टी और इनकी टीम आपको खुशामदीद कहती है। इसके अलावा डेट कंसोलिडेशन, बैंकरप्सी, इमिग्रेशन, सिविल और क्रिमिनल लॉस, शादी और तलाक, ट्रैफिक टिकट और किरायादारी के लिए हमारी माहिरीन की खिदमत हासिल करें। आज ही हमसे राब्ता करें 514-312-2017, 514-912-6195 पर। हमारा एड्रेस है 445 रूट एंड तलॉन वेस्ट, ऑफिस नंबर 321-322, मॉन्ट्रियल क्यूबेक H3N1R1। ज्वेलरी की दुनिया में काबिल एतमाद नाम अल नजफ ज्वेलर्स, हमारे यहाँ जदीद और आला मियार की तमाम किस्म की ज्वेलरी दस्तियाब है। सिंगापुर और दुबई की खूबसूरत ज्वेलरी, चूड़ियाँ, झुमके, बालियाँ, ब्रेसलेट, मंगलसूत्र, नेकलेस, रानीहार, हीरे की अंगूठियाँ और बहुत कुछ। जेवरात की मरम्मत, खरीदो फरोहत या तब्दीली की सहूलत, विजिट कीजिए 1020 जनता लॉन वेस्ट। कॉल कीजिए 514-495-0101।